हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जो भी आपके ड्रीम है उस पर काफी काम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, उसके पीछे लगे हुए होंगे। और भाई ड्रीम्स ऐसे ही पूरे नहीं होते, उनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ड्रीम मत बनाओ, मैं तो कहूंगा एम बनाइए। एम उससे बेटर होता है, ड्रीम से बेटर एम होता है। एम बनाइए, उस चीज को अचीव करिए, ठीक है? तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसके बारे में बच्चे से भर भर के पूछ रहे हैं, डीएम में या फिर Q&A सेशन जो इंस्टाग्राम पे चलता है उस पर भी पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा उसके बारे में पूछा जा रहा है मेरे से, बार 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 बार, कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं बोर्ड में, मेरे को क्या रैंक आ सकती है, या मेरे इतने मार्क्स आए हैं इस बोर्ड में, मेरे को क्या रैंक आ सकती है। तो उसी के ऊपर पूरा वीडियो, लास्ट वाले से मिलते हैं रेस्ट, ठीक है? तो ये TSIV है, ये मुझे लगता है तेलंगाना स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले तेलंगाना स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। सब ध्यान दीजिए, 95.5% मार्क्स आए हैं, 201 रैंक आई है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? CBSE में 96% पे कितना आया था? 333। तो तेलंगाना बोर्ड का मार्क्स थोड़ा सा प्रायोरिटी पे है, ठीक है? कितने परसेंट का फर्क हो गया अगर देखेंगे तो लगभग, अगर आपको उसको बिहार सॉरी वेस्ट बंगाल बोर्ड से कंपेयर करके देखें जरा, तो 96.66 था वो, ठीक है? मान लेते हैं 97% पे 200 रैंक आती है इसमें, और इसमें 95.5 पे, और CBSE कंपेयर करोगे लगभग जो ये डिफरेंस आ रहा है 2% का आ गया। 2% का डिफरेंस है CBSE और उसमें लगभग। टू परसेंट के आसपास आ रहा है, 2 to 1.5%, ठीक है? 1.5 से 2% के बीच में आपका डिफरेंस है तेलंगाना बोर्ड और उनके में, क्या बोलते हैं आपके CBSE में। यहाँ देखो 95.1% आए हैं इसके, और उसकी रैंक 342 हो गई, मतलब 4%, 0.4% मार्क्स गिरने पे ये CBSE से नीचे आ गया। जहाँ CBSE को 96% चाहिए थे इसको पार करने के लिए, वो 95.1 पे आ गया। बड़ी जल्दी नीचे गिरा भाई। CBSE में देखो 95.1 के आसपास आपकी रैंक आनी चाहिए, 420 के आसपास रैंक आनी चाहिए, 420 425 के आसपास रैंक आनी चाहिए, पर यहाँ पे 342 आ रही है, ठीक है? तो तेलंगाना बोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है इन कंपैरिजन टू CBSE। ठीक है, आप आंध्र बोर्ड की बात कर लेते हैं। आंध्र बोर्ड में 95%, 565 रैंक। इन CBSE से कंपेयर कर लेते हैं इसको, CBSE में 95%, 522 रैंक। तो आंध्रा बोर्ड जो है आपका, आंध्रा बोर्ड इज नियरली इक्विवेलेंट टू CBSE बोर्ड। इफ यू गेट सम मार्क्स इन आंध्रा बोर्ड, यू कैन कंपेयर डायरेक्टली योर रैंक विद द CBSE रैंक। ओके, सो 95% है आपके और 643 रैंक है। इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए, 90 हो गए यहाँ पे, और यहाँ 78 थे। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं आ रही है यहाँ पे। चलो भाई दो भी देखो, अजीब सा रैंक सिस्टम है थोड़ा सा, ये डेटा मेरे को अजीब लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है डेटा, ठीक है? पर एक आइडिया लग गया आपको, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है रैंक में, कि 95% के आसपास यही रैंक आ रही है लगभग लगभग, ठीक है? जैसे कुछ बच्चों ने मिस प्रिंट कर दिया मुझे लगता है फिल करते वक्त, पर ज़्यादा डिफरेंस हर बच्चे ने गलत नहीं भरा है, लगभग ज़्यादातर 95% बच्चों ने सही भरा है, कुछ एक बच्चों ने गलती से गलत डेटा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ज़्यादातर ये डेटा एक्यूरेट ही है। तो इसके आसपास ही आपकी एक, क्योंकि आपको एक आइडिया चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट रैंक तो मैं बता नहीं सकता, IMU बताएगा वो तो निकाल के फाइनली, क्योंकि IMU अपना प्रोसेस ही कुछ नहीं बता रहा जिसके हिसाब से रैंकिंग कर सकें हम, ठीक है? बट ये प्रीवियस ईयर का डेटा है, मैंने काफ़ी मेहनत से निकाला है इस चीज़ को, ठीक है? रॉ डेटा है जो मुझे मिला है बाकी कैंपसेस से, तो इस यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कभी कभी फिल करने में गलत जाता है, ठीक है? तो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या क्या रैंक आ रही है, ठीक है? जैसे पंजाब का देखो, पंजाब में 94.33 पे 704 रैंक है, और 90.66 इंग्लिश में मार्क्स हैं उसके, पता नहीं कैसे 90 में आ गए पॉइंट पर, ठीक है? 94.33 में पंजाब में 704 मार्क्स हैं, सी रैंक है सॉरी, और 94
सीबीएसई में 7th, ठीक है, नियरली सेम, पंजाब और सीबीएसई का सेम, लगभग सेम है, ठीक है, पंजाब इज लिटिल बिट लेस देन सीबीएसई, अगर पंजाब 1.1 है तो सीबीएसई 1.09 है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ज्यादा मार्क्स देने पंजाब वाले सीबीएसई के कंपैरिजन में। हिमाचल प्रदेश में देखो 93% मार्क्स आए हैं और रैंक उसकी 1044 है, सीबीएसई से कंपेयर कर लो, 1044 रैंक के लिए 92.5% तो चाहिए होंगे और यहाँ 93 है, तो हिमाचल, अगर आप हिमाचल बोर्ड से हो तो आप अपने मार्क्स कम कर लेना 1.5% to 1%, ठीक है, और सीबीएसई से आपने आपको कंपेयर कर लेना बाद में, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ बोलो। और ये रहा 88% है आपके तेलंगाना बोर्ड से, आपकी रैंक 1378 है, तेलंगाना बोर्ड से इतने मार्क्स हैं, आपकी रैंक 1378 है, तो चेक कर लेते हैं सीबीएसई से, 88% सीबीएसई में 1378, 91%, ठीक है, तो आप हिमाचल का देख सकते हैं, हिमाचल में 87% है और 2147 रैंक है, सीबीएसई से कंपेयर करके देखोगे एक बार 2147, तो 87 नियरली सेम आ गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ हिमाचल बोर्ड सेम है, 83% पे रैंक कितनी है, 3200 वही 83 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए सीबीएसई में उसके पास पहुँचने के लिए, ठीक है, अगर आप हिमाचल बोर्ड से हैं और आपकी रैंक 2.5K के बाद है तो सीबीएसई इक्वल्स टू हिमाचल है नीचे, ठीक है, सेम पंजाब देखो, पंजाब की 82.67 है, 3400 रैंक, तो पंजाब भी इज इक्वल टू, पंजाब भी अगर आप 3K से ज़्यादा रैंक लेके आ रहे हैं पंजाब बोर्ड से यहाँ, तो आपकी रैंक सीबीएसई इक्वल्स टू पंजाब बोर्ड है, ठीक है, 3000 रैंक के बाद पर, वो ऐसी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे BBOSE लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, BBOSE, तो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ठीक है, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये, यहाँ पे बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है, इसकी 71.66% मार्क्स हैं और 60 मार्क्स इंग्लिश में, 6000 रैंक आई है लगभग, सीबीएसई से कंपेयर करके देख,
काफी लंबा वीडियो था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे को लग रहा है काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस IMECET से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग IMECET एस्पिरेंट्स, साइनिंग ऑफ, बाय।